ये देखिए हमारा पासवर्ड नंबर आ गया 358 35 और 8, और उसके बाद हमें ओके कर देना है। ये देखिए रिमोट इज़ पेयरिंग सफल लिख के आ गया है, और अब हमारा रिमोट बहुत ही आसानी से ये देखिए चल रहा है। हेलो दोस्तों, माय नॉलेज माय वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियोकॉन D2H RF रिमोट को अपने वीडियोकॉन D2H सेटअप बॉक्स के साथ में कैसे पेयरिंग करेंगे। बहुत ही आसान है। वीडियोकॉन D2H में तीन चार टाइप के बॉक्स होते हैं अलग अलग, और सभी का प्रोसेस एक जैसा ही होता है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में दो टाइप के रिमोट हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों RF रिमोट हैं, आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर में RF लिखा हुआ है, लेकिन इस रिमोट के अंदर डबल ए साइज़ का बैटरी लगता है, और इस रिमोट के अंदर 2032 कॉइन वाला जो बैटरी होता है वो लगता है। तो हम सबसे पहले इसी रिमोट के बारे में बात करने वाले हैं, और इसी रिमोट को पेयरिंग करके भी लाइव दिखाने वाले हैं किस तरह से ये पेयरिंग होता है। बहुत ही आसान है। तो इस रिमोट को हम एक बार साइड में रख देते हैं, और ये जो रिमोट है सबसे पहले हमें इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का बैटरी डालना है। बैटरी डालने के बाद में हमें सेटअप बॉक्स के पीछे एक रीसेट का बटन होता है ब्लैक कलर का, उसे हमें 17 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे तभी हमारा टीवी का स्क्रीन चालू ही होना चाहिए, और उसके बाद में जैसे ही 17 सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद में 17 या 20 सेकेंड, उसके बाद उसको छोड़ देना है, और ये स्टार वाला बटन है इसको 8 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। और उसके बाद में जैसे ही 8 सेकेंड हो जाएगा इसको छोड़ देना है, और ओके का बटन है वो 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। और जैसे ही इसको छोड़ देंगे उसके बाद में टीवी के स्क्रीन पे एक 3 डिजिट का पासवर्ड नंबर आ जाएगा। जो भी पासवर्ड नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे डायल करके और ओके करना है, और आपका रिमोट पेयरिंग सक्सेसफुल टीवी के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। यही तरीका है, बिल्कुल ही आसान है, और स्टेप बाय स्टेप मैं भी अभी आपको लाइव करके ही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं टीवी के पास में और देखते हैं। तो अभी हम टीवी के पास में आ गए हैं, और यह हमारा रिमोट है। सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरी डाल देते हैं। बैटरी एकदम अच्छा ही होना चाहिए, हमारे पास मैक्सल ब्रांड का बैटरी है, एकदम अच्छा क्वालिटी का है। हम इसके अंदर बैटरी डाल देते हैं पहले। यह हमने इसके अंदर बैटरी डाल दिया है, और सबसे पहले सेटअप बॉक्स के पीछे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारा वीडियोकॉन D2H का सेटअप बॉक्स है, जिसका मॉडल नंबर है 6666। ये देखिए 6666 RF करके ये मॉडल नंबर है इसका। ये सेटअप बॉक्स के साथ में ये वाला जो रिमोट होता है वो बहुत ही आसानी से पेयरिंग हो जाता है, लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखें कि आपके पास में रिमोट अच्छा क्वालिटी का ही होना चाहिए, नहीं तो रिमोट पेयरिंग नहीं होते। ये जो रेड बटन का रिमोट होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। अगर कहीं से भी आप बाहर से परचेस करें तो ये रेड बटन का रिमोट परचेस करें, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, और इसके पीछे भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस तरह से इसको पेयरिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं आपको पढ़ना है तो। और उसके पहले ये हमारा सेटअप बॉक्स है, और इसके पीछे ये देखिए ये छोटा सा बटन है रीसेट का, और ये बटन आपके सेटअप बॉक्स में एकदम ओके ही होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये बटन ख़राब होगा तो आपका रिमोट पेयरिंग नहीं होगा, किसी भी हालत में पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए आपका ये बटन एकदम ओके होना चाहिए, तभी आपका रिमोट अच्छे से पेयरिंग होगा, क्योंकि ये बटन को ही हमें सबसे पहले 20 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पेयरिंग होता है। ये हमारा टीवी चल रहा है सामने, और सबसे पहले हम ये रिमोट को यहाँ पे रख देते हैं, और
सबसे पहले हम पीछे जो रीसेट का बटन है उसे हम 20 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा टीवी का स्क्रीन जो है वो गायब नहीं होना चाहिए, चालू ही रहना चाहिए, तभी हमारा टीवी के डिस्प्ले पे पासवर्ड नंबर जो भी नंबर है वो आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 20 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं। ये देखिए हमारा ये स्टार का बटन आ गया है। अभी हमें रिमोट से स्टार का बटन 10 से 8 सेकंड से 10 सेकंड तक हमें प्रेस करके रखना है, और उसके बाद में हमें ओके का बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ये देखिए हमारा पासवर्ड नंबर आ गया 358358 और उसके बाद हमें ओके कर देना है। ये देखिए रिमोट इज़ पेयरिंग सफल लिख के आ गया है, और अब हमारा रिमोट बहुत ही आसानी से ये देखिए चल रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने बताया उसी तरीके से आप इसे पेयरिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से पेयरिंग हो जाएगा। ये देखिए अभी हम इसे ऑन ऑफ करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये देखिए ये बहुत ही आसानी से अभी हमारा ये नया रिमोट चल रहा है, लेकिन इस बात का आप खास ध्यान रखें कि इस सेटअप बॉक्स के साथ में एक बार में सिर्फ एक ही रिमोट चलेगा, दूसरा रिमोट नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस सेटअप बॉक्स के साथ में एक बार में एक ही रिमोट चला सकते हैं। अगर आपके पास में समझ लीजिए ये अभी नया रिमोट आपने पेयरिंग किया है और अभी आप मार्केट से कोई और दूसरा रिमोट ला के इस पर पेयरिंग करेंगे तो ये वाला रिमोट नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही रिमोट चलता है, दो रिमोट एक साथ में RF वाले नहीं चलेंगे, एक सेटअप बॉक्स के साथ में दो रिमोट नहीं चलेंगे, ये आप खास ध्यान रखें। और बाकी जो मैंने बताया आपको ये सेटअप बॉक्स के पीछे जो रीसेट का बटन है वो आपका एकदम ओके ही होना चाहिए, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और पेयरिंग करने के टाइम पे आपका टीवी का स्क्रीन बिल्कुल ही ऑन होना चाहिए जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरीके से। अगर टीवी का स्क्रीन गायब हो गया है इस तरीके से, और आप भले ही 20 सेकंड तक आपका रीसेट का बटन आप प्रेस करके रखेंगे लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आपका टीवी का स्क्रीन गायब नहीं होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड नंबर और स्टार का नंबर जो भी नंबर है वो आपके टीवी के डिस्प्ले पर दिखेंगे और तभी आपका रिमोट पेयरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों को पता चल सके किस तरह से पेयरिंग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।